हेलो गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल। आप जुड़ चुके द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ चार्ट ऑफ द वीक की एक नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए रनर्स अप चार्ट जा चुका है। एक सलाह मैं ये देना चाहूंगा कि हमने कुछ टाइम पहले मार्केट्स में से सारी ट्रेड्स एग्जिट करी थी। अभी मुझे इतना मोमेंटम और वो सब ठीक नहीं लग रहा है जिसके अंदर मैं सोचूं कि ट्रेड ली जाए और काम एक्टिवली किया जाए। तो मार्केट से एक तरीके से बाहर बैठे हैं, बहुत छोटी पोजीशंस डिप्लॉयड हैं। हार्डली 10% कैपिटल हमारी डिप्लॉयड होगी इस समय ट्रेडिंग साइड पे। इन्वेस्टिंग साइड पे मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। आई एम प्रीटी श्योर दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बुल मार्केट्स दैट इंडिया हैज एवर विटनेस, तो उसमें कोई मेरे को दिक्कत नहीं लग रही। बट ट्रेडिंग क्योंकि हम शॉर्ट टर्म की करते हैं और बुल मार्केट में मैं शॉर्टिंग में बिलीव नहीं करता पर्सनली। आप करना चाहें आप कर सकते हैं, बट इसीलिए मेरे पास कोई लॉन्ग साइड की ज़्यादा ट्रेड्स नहीं है। प्लस यहाँ पे हम चार्ट्स को डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं समझते हैं चीज़ों को। एजुकेशनल वीडियो है आपके लिए, मेरा चैनल एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने बनाया है। तो इसमें हम बाइंग साइड ही अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से करनी है, क्या करना है। एंड एक चार्ट ज़रूर है जो हम डिस्कस करेंगे, ब्रॉन्ज मेंबर्स का चार्ट जा चुका है। चार्ट काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मैंने डिस्क्लेमर सारे डाल दिए हैं, राइट। एंड यहाँ पे एक चार्ट डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। मैं आपको ये भी बता दूं कि वो हम अपने क्लाइंट्स को दिला चुके हैं पहले, एंड टेलीग्राम पे भी मैंने पोस्ट कर दिया था। तो नॉर्मली चार्ट आपके ओवरलैप नहीं होते टेलीग्राम और यहाँ से, बट मेरे को मोमेंटम ऐसा नहीं दिख रहा मार्केट में कि मैं एन नंबर ऑफ चार्ट्स डिस्कस करूँ या कुछ दूँ। तो ट्रेडिंग में अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप ना करें, हम भी कोई ज़्यादा ट्रेडिंग इस समय नहीं कर रहे हैं। एंड मेरे को ऐसी कोई बड़े लेवल पे इशू नहीं दिख रहा, बट यस जो शॉर्टर टर्म की करेक्शन या वॉलिटिलिटी बढ़ी हुई है उसके हिसाब से मेरे सिस्टम में मैं ट्रेडिंग इजीली यहाँ पर नहीं कर सकता। और इसलिए जब हमें लगा था कि आई थिंक लास्ट ट्यूजडे को कि एग्जिट करना है तो हम कर गए थे, और लास्ट के 10 मिनट में ही लगा था तो कर गए थे। एंड तब से हम एक तरीके से बाहर ही बैठे हुए हैं। चलते स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं चार्ट को, समझ लेते हैं क्या है। ईलन मार्केट्स आप लोग के लिए एक और फ्री कोर्स लाया है, 2 दिन का ही ऑफर बच रहा है, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं एबीबी इंडिया आप लोगों का चार्ट ऑफ द वीक है इस बार। एबीबी इंडिया मैंने क्यों दिया है, तो सबसे पहली चीज मैं कहना चाहूंगा पावर और एनर्जी सेक्टर पे काफी रिसर्च हमारी चल रही है। इनफैक्ट संडे को सिल्वर मेंबर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो आ रही है पावर सेक्टर के ऊपर कि किन किन कंपनीज पर रिसर्च चल रही है और किस बेसिस पे हम सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं कि उनको बाय करना चाहिए, राइट। तो उसकी वीडियो एक अलग आ रही है। एंड पावर सेक्टर का कहीं ना कहीं स्टडी करते हुए एबीबी इंडिया जैसा एक शेयर हमारे सामने आया पावर एनर्जी सेक्टर को जब हम पढ़ रहे थे, एंड उसके अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चाल बनती हुई दिख रही है। अच्छी चाल से मेरा क्या मतलब है, आप वीकली पे अगर मैं आपको दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं जो 2007-08 का हाई था या वो जो जोन क्रिएट हुआ था वो जोन फाइनली अब जाके कैंसिल आउट हुआ है एंड ऊपर की साइड पे उसमें ब्रेकआउट आया है जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। तो लॉन्गर टर्म चार्ट तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि काफ़ी समय का ब्रेकआउट है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो वर्क कर रही है कंपनी के फेवर में, एंड हमें इसके अंदर लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बहुत बुलिशनेस रहने वाली है और बहुत पावर कंपनीज में हमें चीज़ देखने को मिल रही है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। बट अपार्ट फ्रॉम दैट शॉर्टर टर्म में हमें क्या दिख रहा है, शॉर्टर टर्म के अंदर आप देख सकते हैं कि 20 अक्टूबर को बहुत ही अच्छी वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट आया, डिसेंट ब्रेकआउट था, एंड अगले दिन उस ब्रेकआउट का हमें फॉलोअप मिला है, अच्छी कैंडल मिली है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1915 के लेवल का एंड टारगेट्स तो राइट गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं तो हाई चांसेस हैं बहुत हैवी रिटर्न्स आपको देकर जाए एबीबी इंडिया जैसा स्टॉक। बट शॉर्टर टर्म के लिए आई थिंक वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट। अब मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं कर रहा, मेरे को एक चीज़ लग रही है जब तक कि IPOs क्लियर नहीं हो जाते ना मार्केट से, यहाँ पे आपको थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखता रहेगा। बिकॉज होता क्या है कैपिटल आप कमा तो लो अनलिमिटेड है एक तरीके से, बट लोगों के पास जो कैपिटल होती है लिमिटेड होती है, चाहे लोग हों चाहे इंस्टीट्यूशंस हों, राइट। तो ऐसा तो है नहीं कि मनी प्रिंटिंग मशीन है। तो कहीं ना कहीं मैंने टेलीग्राम पे भी अपने बोला था कि मुझे लग रहा है हाई चांसेस हैं कि इतने सारे जो आपके IPOs आ रहे हैं इस समय उनके वजह से हो सकता है थोड़ा कैश ड्राई अप हो रहा हो मार्केट से। आफ्टर ऑल मैंने भी पोजीशन बनाई थी इस हिसाब से कि पोर्टफोलियो के अंदर जगह बनाई थी कि नायका वगैरह उठा सकें अगर लगेगा वैल्यूएशंस अच्छी हैं। बट अगर मैं अपना बिहेवियर ही देखूँ तो आई हैड टू सेल सम शेयर्स टू मेक दैट स्पेस इन माई पोर्टफोलियो, आई हैड टू रेज सम कैपिटल। तो मैं अगर ये कर रहा हूँ तो डेफिनेटली बाकी लोग भी कर ही रहे होंगे, एंड जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, काफ़ी लोगों को तो कंपलसरी भी होता है कि आपको इन्वेस्ट करना ही है इन कंपनीज में जब आ रही हैं, अगर आप जब एंकर पोर्शन वगैरह सब्सक्राइब होना होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उसके वजह से हमारी मार्केट्स में थोड़ी सेलिंग इंटेंसिफाइड चल रही है। सो दैट इज़ वॉट आई फील।
बट उसको हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। मैंने मतलब वो पोस्ट वगैरह टेलीग्राम पे भी डाल दिया था एंड जो मेरा थॉट प्रोसेस है वहाँ पे वो मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एबीबी इंडिया शुड सर्व वेल। टारगेट्स में बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में नहीं लेके चल रहा है, इनफैक्ट आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर इसमें रीटेस्टिंग पे आप इसे खरीदें। मैं आपको डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर दे दूँ कि हमारी स्कैंडल पे बाइंग हो गई थी राइट, एंड मेरे को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सॉलिड लग रहा है, मेरे को बहुत सेफ बेट लग रही है। 10-15% मेरे को लग रहा है बहुत आसानी से इसको दे जाना चाहिए इन द कमिंग फ्यू डेज और वीक्स। बट अगेन गाइस, डिपेंड करेगा मार्केट कब तक यू नो एक वो एक्सेसिव वॉलेटिलिटी से बाहर निकलता है। एक बार निफ्टी भी डिस्कस कर लेते हैं, अभी इतनी देर से बात हम कर ही रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो निफ्टी देख लेते हैं एक बार, निफ्टी 50 हमारा तो रीटेस्टिंग हो गई, जो लेवल था छू के आ गए भाई साहब। लेट अस वेट एंड वॉच, मुझे नहीं लगता यहाँ तक आएगा, आई थिंक दिस शुड बी द बॉटम। अगर ये बॉटम है तो बहुत अच्छी बात है। बैंक निफ्टी एक बार और देख लेते हैं, तो आप देख सकते हो लाइंस पहले से बनी हुई हैं और इनकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, इसमें भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इट लुक्स फाइन, इट लुक्स डिसेंट, ठीक है। निफ्टी ही थोड़ा कंसर्निंग है आपके लिए, वो भी मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा उसमें करेक्शन, मेरे को तो नहीं लग रहा कि करेक्शन और कुछ खास बची है। मतलब जो तोड़ना था तोड़ दिया, टच हो गया, सब हो गया भैया। तो ये लाइन कैंसिल आउट करनी थी, कर दी, तो एक बार मैं इसको डिलीट भी कर दूँ तो अब आपको दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई है। मे बी अगेन, देखो ये यहाँ पे बड़ी क्लैरिटी है तो ये दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसको ब्लैक लाइन कर देता हूँ। तो सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको भी, मुझे भी दिख रही है, मार्केट्स को भी दिख रही हैं एंड उसी हिसाब से फॉलो हो रहा है राइट। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बुल मार्केट में ना सपोर्ट फॉलो होते हैं, बेयर मार्केट में रेजिस्टेंस फॉलो होती है। तो मतलब बहुत छोटी चीज़ है बट लोग भूल जाते हैं, तो सपोर्ट्स अगर आपके फॉलो हो रहे हैं ना गिरते समय तो ये बुल मार्केट है। और काफ़ी लोगों को पता नहीं, एक अजीब ही यू नो वहम सा होता है, जोश सा होता है, बुल मार्केट ख़त्म हो गई, बुल मार्केट ख़त्म होती हुई दिख रही है यहाँ से चलती हुई। मतलब होराइजन ही यही है, देखना ही यही है, बस इतना ही दिखता है। समझ ही नहीं आता मुझे क्या थॉट प्रोसेस चलता है, किस बेसिस पे काम करना चाहते हैं आप लोग। मतलब मैं कह के थक गया हूँ यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, जहाँ पे भी मैं हूँ, कि ऑलवेज फोकस ऑन बिग मनी रादर देन क्विक मनी। बड़े पैसे पे ध्यान दो, बड़ा काम करने की सोचो। यहाँ पे सबको होता है बिल्कुल बस आज हो जाए, यू नो ये बस ये स्नैप की फिंगर और हो जाए, थैनोस हो तुम लोग यार। तो मतलब सोचो कि ना ये चल रही है मार्केट, ये बहुत लंबी जाएगी और हम इसकी बहुत चर्चा कर चुके हैं राइट। अगर अब तक आपने नहीं देखी है मेरी चार्ट ऑफ द डेकेड वीडियो, मंथली पे चलते हैं हम राइट। पावर सेक्टर के अगेन गाइस रिसर्च चल रही है मेरी, इसलिए चार्ट्स खुले रहते हैं हर समय। निफ्टी पे आ जाते हैं, लाइंस बनी हुई है, थैंक गॉड, अच्छी बात राइट। लॉगरिथमिक कर रखा है मैंने चार्ट ताकि थोड़ा क्लैरिटी रहे, अगर लॉग हटा दूंगा तो कम दिखता है, बट आप दोनों तरीके से देख सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं लॉग हटा के भी समझा सकता हूँ आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं जो ब्रेकआउट आया था, भयानक बोल रहे हैं, उसके बाद रेजिस्टेंस कटी है। यहाँ पे दिख रहा है आपको कितने सालों में रेजिस्टेंस कटी है, किस जोन में कटी है, वो मार्क कर देते हैं एक बार। यहाँ पे ये कटी है आपकी रेजिस्टेंस जो रीटेस्ट हुई राइट, इसका ब्रेकआउट बहुत ही बढ़िया। अब मैंने यहाँ से दो लाइंस बनाई हैं सेम रेजिस्टेंस, किसी लाइन को भी ले लो आप, फाइनली ब्रेकआउट आ गया है। मेरे ख्याल से ये वाली थोड़ी ज़्यादा वैलिड लगती है मुझे पर्सनली, बट ये भी लाइन गलत नहीं है राइट। तो मेरे को ये वाली थोड़ी ज़्यादा पसंद है, ये वाली थोड़ी कम पसंद है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, उसको रेड कर देता हूँ मैं, मुझे ब्लैक वाली थोड़ी ज़्यादा बेटर लगती है जो मैंने यहाँ पे बना रखी है। एंड क्या है ये बताओ, सिमिलर ब्रेकआउट, 2000 का इंडेक्स आपका 6000, तीन गुना देख लो। तो चलेगी मार्केट, लंबी चलेगी, करेक्शन आएगी। ये देखो क्या ये करेक्शन नहीं है, ये कितनी गंदी कैंडल है। ये आप देखो यहाँ पे 3800 मान लेते हैं, 3800 से 2900 राइट। तो आप खुद सोच सकते हो क्वांटम ऑफ करेक्शन कितना हाई था, ये भी गिरा था, ये भी गिरा था राइट। बट ये गिरावट में और ये गिरावट में फ़र्क है, ये करेक्शन है, ये क्रैश है। यहाँ अभी आपको करेक्शन भी नहीं दी है मार्केट ने ढंग से, तो प्लीज़ थोड़ा ना एक्सपैंड करो अपने होराइजन को। बुल मार्केट ख़त्म हो गई, ये हो गया, बुल मार्केट ऐसे ख़त्म होती है,
बुल मार्केट चलती है। अब ये भी बुल मार्केट है एक तरीके से, फ्लैटिश है बट ये बुल मार्केट है राइट, और ये तो आपकी अल्ट्रा बुल है। उसके बाद ये आपका रिसेशन आया, फिर ये बुल मार्केट चल रही है, ये रिसेशन आया, फिर बुल मार्केट चालू है, अल्ट्रा बुल है ये वाला, मैं फिर से बता दूँ आप राइट। तो प्लीज़ ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा विजन एक्सपैंड करें, थोड़ी चीज़ों को देखें। लास्ट ट्यूसडे की जो लास्ट की 10 मिनट की करेक्शन थी उसने हमें मार्केट से ट्रेडिंग के लिए बाहर कर दिया बिल्कुल, तब से हम बाहर बैठे हुए हैं। एक एबीबी इंडिया है जो अभी हमें समझ आया, क्लाइंट से बात बात करी तो उनको एक पोजीशन इसके अंदर बिल्डअप करवाई इनको, मतलब यू नो कहीं पे हमें ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा था उससे पहले कि हम जाके जंप इन करें। द थिंग इज़ कि अगर आप अपना होराइजन उस हिसाब से नहीं करेंगे ना, इन्वेस्टमेंट थीसिस ट्रेडिंग उस हिसाब से नहीं करेंगे जो मार्केट आपसे कह रहे हैं, बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। अब ये चीज़ कोई ना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ढूंढनी, कभी सोचा है लेकिन कि यार मंथली पे भी चार्ट्स खोल लें? मैं इतने लोगों को पढ़ाता हूँ, इतने लोगों से बात होती है, आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड एट टाइम्स कि लोग बस आर्ली चार्ट देख रहे हैं कि नहीं यार हमें तो बस ये बता दो अभी ये क्या होगा। अगर आपने लेट से ये मूव पकड़ लिया होता ये वाला, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती आर्ली चार्ट्स ढूंढने की राइट। आप करना चाहते हो आप करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट बैक ऑफ द माइंड आपको पता होना चाहिए मार्केट कहाँ चल रही है, बुल मार्केट किसे कहते हैं, यू नो रनवे किस हिसाब से है। अगर ये चीज़ों से आपको दिक्कतें हो रही हैं ना तो फिर मार्केट्स आपके लिए ठीक है ही नहीं, क्योंकि वॉलेटिलिटी तो पार्ट है इनका। अगर ये बेचारी वॉलेटाइल नहीं होंगी तो बहुत बोरिंग हो जाएगी ये जगह, फिर किसी का पैसा नहीं बनेगा, फिर 100% एफिशिएंसी आ जाएगी अगर वॉलेटिलिटी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि फिर सही रेट मिलेगा आपको हर समय, वो रेट अपडेट बहुत ही कम हुआ करेगा। तो वॉलेटिलिटी है इसलिए लोगों का पैसा बनता है, वो वॉलेटिलिटी को आपको समझना है, उसके बेसिस पे काम करना है। तो अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर अभी आपको मार्केट्स कंफर्टेबल नहीं लग रही तो आप डेफिनेटली छोड़ सकते हैं राइट, आप कुछ टाइम वेट कर सकते हैं काम करने से पहले, काम यू नो ट्रेडिंग व्रेडिंग वापस शुरू करने से पहले। बट लेट्स से इफ यू आर कंफर्टेबल विद द मार्केट्स देन डेफिनेटली आई थिंक एबीबी इंडिया लुक्स वेरी वेरी गुड। मैं आपको यहाँ एक बोनस चार्ट और दे देता हूँ, BBTC। तो मैंने इसके टारगेट्स अपने लिए मार्क कर रखे हैं यहाँ पे, एंड ये रिवर्सल यहाँ पे होना चाहिए, कंफर्मेशन की वेट करेंगे। कैंडल इनडिसाइसिव है यहाँ पे, दो नीचे के लेवल्स और हैं बाई चांस अगर नीचे और ज़्यादा गिरता है तो इसमें भी यू नो गारंटी नहीं है कि कहाँ पे टिकेगा, बट इवन दिस चार्ट लुक्स गुड। तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं, BBTC बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी, इसकी होल्डिंग आई थिंक ब्रिटानिया वगैरह में इसके अच्छे खासी होल्डिंग है, एंड कहीं ना कहीं उसकी भी वैल्यूएशन इसे मिलती है। मेरे को ध्यान है जब 2000 आपका 17-18 की जो बुल मार्केट अलग सी चल रही थी उसमें बहुत तेज़ी से खिंचा था ये। इनफैक्ट जब 2018 में करेक्शन स्टार्ट हो गई थी मार्केट्स में तब भी ये चल ही रहा था, तो कहीं ना कहीं इसका जो हाई था 2018 में बना है, एंड यू नो एक्सट्रीमली बुलिश हो गया था उस समय, बहुत न्यूज़ में भी आता था ये, एंड समो लोग बस भूल गए हैं, चार्ट सोने लग गया है, अपना अलग जोन में चला गया है राइट। एंड अगर इसके अंदर रिकवरी देखने को मिलती है तो इट कैन बी अ वेरी गुड पिक। सो डेफिनेटली आप इसको अपने वॉच लिस्ट पर रखें, मेरे लिए चार्ट ऑफ द वीक एबीबी इंडिया ही रहेगा, बिकॉज यू नो वी अंडरस्टैंड नाउ व्हाट्स हैपनिंग विद दीज कंपनीज, एंड थोड़ा भी अगर आप पेशेंस दिखाना चाहें, थोड़ा सा भी लंबा जाना चाहें तो इसके अंदर आपको अच्छे खासे गेंस मिल सकते हैं विदाउट मच रिस्क। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ये रहा 1915 राइट। तो दिस वुड बी योर चार्ट ऑफ द वीक गाइस, एंड मैंने आपसे कहा था एलन मार्केट्स हैज़ गॉट अ स्पेशल ऑफर फॉर अस। सो बेसिकली दो दिन के लिए ऑफर है, देर इज़ अ फ्री कोर्स दैट देर ऑफरिंग टू अस। तो पहले भी उन्होंने किया था, अब एक और फ्री कोर्स ऑफर कर रहे हैं, एंड अगर आप उस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, करना ही चाहिए, फ्री कोर्स है, बुराई क्या है, वीकेंड पे आप बिल्कुल उसको गो थ्रू करें कोर्स को। द फर्स्ट कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन जो आपका नीचे आता है ना, उसमें जो पहला कमेंट है इन द डिस्क्रिप्शन भी क्या, जब पहला कमेंट होगा जब आप स्क्रॉल करेंगे उसमें आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं अलग से डाल दूंगा उसे। बट ये कोर्स लिटरली दो दिन के लिए आपके पास अवेलेबल है फ्री में, अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली साइन अप करें। मैं पिन कर रहा हूँ अपना कमेंट, वहाँ पे कूपन कोड है, उस कूपन कोड को लगाएं एंड आप वो फ्री कोर्स एंजॉय कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच टू एलन मार्केट्स एज वेल, बिकॉज यू नो दे कीप ऑन प्रोवाइडिंग अस विद दीज फ्री कोर्सेज सो दैट वी कैन एनहांस आर लर्निंग, एनहांस आर एक्सपीरियंस एंड यू नो अंडरस्टैंड द मार्केट्स बेटर। सो गाइज दैट वुड बी इट, थैंक यू सो मच, दिस विल बी योर चार्ट ऑफ द वीक। प्लीज़ थोड़ा यू नो अपने होराइजन को एक्सपैंड करें, आई एम वेरी यू नो
कभी कभी ना दुख होता है, मतलब जो लोगों को मैं जानता हूँ, जिन लोगों से इंटरेक्ट भी करता हूँ बहुत रेगुलर बेसिस पे, दे आर नॉट एबल टू इवन यू नो कॉम्प्रीहेंड कि हो क्या रहा है मार्केट्स में. तो कभी कभी नहीं समझ आता कि मेरे समझाने में कमी हो रही है या फिर आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं क्या हो रहा है एग्जैक्टली. यही हो सकता है ना, अगर दो जनों में कॉन्वर्जेशन हो रही है तो जो कह रहा है वो ढंग से नहीं कह पा रहा बात को, या जो सुन रहा है वो ढंग से नहीं सुन रहा बात को. तो समटाइम्स आई फील वेरी ऑकवर्ड आई वुड से, कि आपको जैसे मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है मार्केट्स में, व्हेन देयर इज़ अ मैसिव बुल रन, पीपल आर स्टिल थिंकिंग कि ये है नहीं है यहाँ पे, या फिर यूनिवर्स के अंदर करेक्शन कब आएगी, क्रैश कब आएगा. करेक्शन इज स्टिल फाइन, लोग तो क्रैश एंटिसिपेट कर रहे हो. क्रैश भी कैसा कि भैया डूबेगी मार्केट, टूटेगी मार्केट. तो आई एम रियली नॉट श्योर वॉट पीपल वॉन्ट टू डू, बट आपको क्या करना है, आपको डेफिनेटली स्पेशली जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं प्राइस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. प्राइस आपसे क्या कह रहा है समझना आपको बहुत ज़रूरी है. प्राइस एक्शन के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप इसके बारे में और सीखना चाहते हैं तो आई डू टीच ऑन वन बेसिस, ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर आप खुद से भी करते हैं, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपको मेरे चार्ट्स में नॉर्मली इंडिकेटर ज़्यादा नहीं दिखते. आप देख सकते हैं EMA मैंने हाइड कर रखी है क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है इसकी. एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ऑल ऑफ योर इंडिकेटर्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ प्राइस. प्राइस पढ़ना सीख गए आप, प्राइस को समझना आ गया आपको कि क्या है प्राइस, कैसा है, किस बेसिस पे काम कर रहा है, आपको लिटरली इंडिकेटर्स की ज़रूरत ख़त्म होने लग जाती है. जितना सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम, जितना अच्छा डिसिप्लिन, उतना ज़्यादा पैसा बनता है इसमें आपका, राइट. एंड मैं ये नहीं कह रहा इंडिकेटर्स ख़राब हैं, बिल्कुल भी नहीं कह रहा मैं ये, बट अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको ज़बरदस्ती सिस्टम में इंटीग्रेट करना नहीं पड़ता. तो मैं प्राइस के ऊपर वर्क करता हूँ, बाकी लोग किसी और पे कर सकते हैं, सबकी अपनी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. आखिर इंडिकेटर्स भी लोगों ने बड़ी मेहनत करके बनाए हैं, बट इंडिकेटर्स अगेन एक इंडिकेशन दे सकते हैं आपको, काम तो प्राइस ही करता है सारा. तो फोकस ऑन प्राइस, फोकस ऑन व्हाट द मार्केट्स आर टेलिंग यू. प्लीज़ डू नॉट यू नो गेट बॉदर्ड बाय स्मॉल स्मॉल करेक्शंस दैट आर कमिंग. है अच्छा, करेक्शंस भी आ रही हैं तो हमें मतलब ऐसा नहीं है ना कि बिना बताए आ रही हैं या हमें पता नहीं चल रहा. आप लोगों को ध्यान होगा, मैं फिर से निफ्टी का चार्ट खोल देता हूँ एक बार. जब ये मूव आ रहा था तो मैंने बहुतों को कहा था, एंड यहाँ पे भी वीडियोस में हमने बात करी थी कि एग्जॉस्टन दिख रही है हमें, राइट. हमें दिख रहा है कि थक गया इंडेक्स ऊपर जाते जाते, और जब ये लगा था तो 100% था कि टूटेगा, और अगले दिन ही टूटा. ये तो आपकी कन्फर्मेशन कैंडल थी टूटने की, राइट. और उसके बाद आप देख सकते हो हमारी एक अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन काटी इसने, जो मैंने अभी हटा दी है क्योंकि अब कट गई, उसकी कोई ऐसी मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है. एंड नाउ इट हैज टेकन सपोर्ट एट दिस लेवल, जो हमें था कि लेगा. अगर ये और नीचे जाएगा तो यहाँ तक सपोर्ट ले लेगा, राइट. मेरे को नहीं लगता ये इतना नीचे जाना चाहिए, या तो यहाँ कंसोलिडेट कर दे, मुझे था, या तो यहाँ कंसोलिडेट कर दे. बट यस, इसकी जो ये वाली कैंडल बनी है, दिस इज प्रेटी बैड कैंडल, एंड काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि बस अब इसका कंसोलिडेशन पीरियड यू नो स्टार्ट हो जाएगा. एक चीज़ मुझे और लग रही है कि चांसेस हैं थोड़े कि जो IPOs मार्केट में चल रहे हैं ना, उसकी वजह से थोड़ा कैश ड्राइव हो रहा है, बट उस पर चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे. ABB इंडिया इज गोइंग टू बी अ चार्ट ऑफ द वीक. निफ्टी वगैरह आपका जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, बट दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो. सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय. जय हिंद.